अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट जो हाफ शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हाफ चैप्टर होने पे हमने हाफ डिस्कस कर लिए थे। तो देखें, सबसे पहले डिफाइन लेंस। लेंस क्या होता है, इसको डिफाइन करें। देखें, लेंस जो है एनी ट्रांसपेरेंट मीडिया मटीरियल को कहते हैं जिसकी दो सर्फेसेस होती हैं, एटलीस्ट उनमें से कर्व हो या दोनों कर्व होती हैं, उसे हम नाम देते हैं ये लेंस है। और ये लाइट को रिफ्रैक्ट करता है कि इमेज जो वो बनता है जब लाइट रेज आपस में मीट करती हैं या करती हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद है जी राइट टू यूजेज ऑफ लेंस। लेंस के दो इस्तेमाल लिखें या एप्लीकेशन लिखें। लेंसेज ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स आर यूज इन ऑप्टिकल डिवाइस सच एज कैमराज, आई ग्लासेस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड प्रोजेक्टर। दे आर आल्सो अनेबल मिलियंस ऑफ पीपल टू सी क्लियरली एंड रियल कम्फर्टेबल। तो देखें, बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर। जैसे आपने देखा कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर और फोटोग्राफर इन लार्जर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लेंसेज यूज़ हुए थे। आगे है, व्हाट इज़ मीन बाय द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की जो फोकसेस हैं उनको डिफाइन करें। देखें, जो कन्वेक्स लेंस है वो एक्चुअली लाइट को कन्वेक्स कन्वर्ज करता है एक पॉइंट के ऊपर, जबकि कनकेव जो है डाइवर्ज कर देता है। और बिहाइंड द लेंस जो है वो अपेयर टू डाइवर्ज होती नज़र आती हैं, तो वो इसलिए उसका वर्चुअल फोकस, कन्वेक्स का रियल। तो लाइट रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट अ पॉइंट आएगा एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। हैंस कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है। दूसरा, कनकेव द पैरेलल रेज अपेयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द लेंस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, हैंस कनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग। यहाँ देखें, डायग्राम भी दिखाई है, पैरेलल रेज आई थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सारी कन्वर्ज हुई है एक पॉइंट के ऊपर। ये देखें, रियल में एक्चुअली वो पास कर रही है इस पॉइंट से, तो वो सारी क्या है, ये फोकस पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस। और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर से फासला होगा उसे फोकल लेंथ कहते हैं। इन केस ऑफ कनकेव देखें, लाइट रेज आई हैं वो आके डाइवर्ज हो गई, फैल गई, और बिहाइंड द लेंस वो एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अपेयर टू डाइवर्ज है, तो डेफिनेटली ये वर्चुअल फोकस है, और इसका वही ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसे फोकल लेंथ कहते हैं। उसके बाद है, इन लेंस टर्मिनोलॉजी डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ। इनको डिफाइन करें, प्रिंसिपल एक्सिस ईच ऑफ द टू सर्फेसेस ऑफ द स्फेरिकल लेंस इन ए सेक्शन ऑफ स्फेयर, द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंसेज इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। फोकल लेंथ, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। ये हमने पहले भी डिस्कस की थी, अब फिर दोबारा हो गई। आगे डिफाइन पावर ऑफ लेंस, ये भी डिस्कस किया था, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी किया था। तो पावर ऑफ लेंस इज डिफाइन एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर, फिजिकल वन बाय फोकल लेंथ इन मीटर। यूनिट जो होता है उसका डायोप्टर होता है, उसे डी से डिनोट करते हैं, और एफ जो है उसे मीटर में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वन डायोप्टर जो होता है पर मीटर के बराबर होता है। और डायोप्टर को डिफाइन करें, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज वन मीटर। फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है कन्वेक्स लेंस की, तो डेफिनेटली उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। और अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है क्योंकि वर्चुअल फोकस होता है, तो उसका जो पावर होगा वो भी नेगेटिव होगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस शो इट्स इमेज फॉर्मेशन बाय द डायग्राम। जो हमने पॉइंट डायग्राम पढ़ी थी कन्वेक्स लेंस की, उनमें से पूछा गया है कि जब ऑब्जेक्ट को डबल फोकल लेंथ में प्लेस किया जाएगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा, अपने स्ट्रेट करना है विद द डायग्राम। तो देखें, दो रेज की मदद से हमने इमेज बनाया। यहाँ एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है 2f के ऊपर। पहली रेज जो आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस के अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट होती है, फोकल लेंस से गुजरती है, और उसके बाद फिर वो यहाँ पर मीट करती है। जो रेज बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से गुजर के आती है स्ट्रेट, उससे यहाँ पर यहाँ एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट साइज। उसके बाद व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, उसका एक लार्ज वर्चुअल इमेज सेम साइड पे नजर आता है, जैसे ये दिखाया भी हुआ यहाँ पे नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर कि ये कन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ यहाँ पे है। तो उसको ऑब्जेक्ट को उसके अंदर प्लेस किया तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है और उसी साइड पे एक लार्ज वर्चुअल इमेज उसका नजर आता है, इसे सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो इस तरह काम करता है। तो यही हेल्प ऑफ द विद हेल्प ऑफ द डायग्राम हाउ यू कैन शो द थिन कन्वर्जिंग लेंस एज मैग्नीफाइंग ग्लास। ये आपने बना के दिखानी है और सर बताना है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो नियरली लेंस जो है प्रिंसिपल फोकस के उसके अपराइट इमेज बनता है, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज, जो कि हमें 25 सेंटीमीटर जो कि हमारा नियर पॉइंट होता है उस पर हमें दिखाई देता है। उसके बाद है, व्हाट इज मीन बाय मैग्नीफिकेशन।
मैग्नीफाइंग पावर, ये रेशियो थी एंगुलर साइज ऑफ द फाइनल इमेज प्रोड्यूस बाय द मैग्नीफाइंग ग्लास टू द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इसके फार्मूले थे थीटा प्राइम ओवर थीटा। रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन भी पड़ी थी, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लियरली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट सोर्स। मैग्नीफाई का मतलब वो बड़ा करके कितना दिखाएगा, रिजॉल्विंग पावर का मतलब वो क्लियर कितना दिखाएगा, ये हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था तब। ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इनमें से किसी की भी पूछी जा सकती है डायग्राम, तीनों की डायग्राम ड्रॉ की हुई है जो आपने पहले भी की थी, बोर्ड पे भी की थी हमने जब आपने लेक्चर लिया था, तो ये तीनों डायग्राम आ गई। और फिर उनकी ये मैग्नीफाइंग पावर पूछी गई है तीनों की, तो उनमें से किसी की भी पूछी जा सकती है। सिंपल की तो थी यू बाई पी और इसको वन प्लस डी ओवर एफ लिखते हैं, कंपाउंड की एल ओवर एफ नॉट वन प्लस डी ओवर एफ ई, और टेलीस्कोप की जो थी एफ ओवर एफ ई थी। उसके बाद है राइट टू यूजेज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो यूजेज लिखे। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज टू स्टडी बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, इट इज ऑल्सो यूज फॉर रिसर्च इन द सर्वल फील्ड सच एज साइंस लाइक माइक्रोबायोलॉजी बॉटनी जोलॉजी एंड जियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। आगे व्हाट डू यू मीन बाय अकोमोडेशन, जो आपने लास्ट लेक्चर था चैप्टर का उसमें पढ़ा था, जो ह्यूमन आई का जो लेंस है वो वेरी करता है जब उसकी फोकल लेंथ, द वेरिएशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आईज इज कॉल्ड अकोमोडेशन, इट इज लार्ज इन यंग पीपल वाइल इट इज गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द एज। व्हाट इज मीन बाय नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, नियर पॉइंट ये है नियर पॉइंट ऑफ द आई इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच इट प्रोड्यूस शार्प इमेज ऑन द रेटिना, वो मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का और आई का जिसके वजह से एक उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है रेटिना के ऊपर बनता है। तो नॉर्मल पीपल के लिए इसका वैल्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर है। फार पॉइंट जो होता है वो तो उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। फार पॉइंट ऑफ द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई ऑन विच द फुली रिलैक्स आई कैन फोकस, इन रिलैक्स लेंस जो इतना फोकस कर सकता है वो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट उसको क्लियर नजर आएगा उसे फार पॉइंट कहते हैं। इस सेंस में बहुत सारे जो लोग हैं उनकी आई साइड जो है ना वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये इन्फिनिटी पे होता है क्योंकि आप बहुत दूर स्टार प्लैनेट्स को देख रहे होते हैं। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय डिफेक्टिव विजन, डिफेक्टिव विजन क्या होता है इसको बताएं। डिफेक्टिव विजन है इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड डिफेक्टिव विजन। रीज़न क्या है इसकी, क्योंकि ह्यूमन आई का जो लेंस है वो अकोमोडेट कर नहीं पाता इफेक्टिवली जितनी चाहिए होती है, तो इमेज ब्लर नज़र आता है। दो है उसमें, नियर साइटनेस है और फार साइटनेस है। इनमें डिफरेंस फिर अब बताना है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट साइटनेस एंड फार साइटनेस। तो सम पीपल कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एड ऑफ द सबटेकल, विद दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज नोन एज शॉर्ट साइटनेस और नियर साइटनेस, यानी कि वो दूर की चीज़ देख नहीं पाते। उसके बाद फार साइटनेस क्या, करीब की चीज़ नहीं देख पाते। द डिसेबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म द डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द क्लियर बाय ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स रेटिना इज नोन एज फार साइटनेस, ठीक है जी, तो करीब की चीज़ को नहीं देख पाएंगे उसे कहते हैं, ये डिफरेंस आया। और उसके बाद आगे है हाउ नियर साइटनेस डिफेक्ट बी करेक्ट, नियर साइटनेस को कैसे करेक्ट किया जाता है। देखें वो इमेज पहले बनता है रेटिना से, तो हम उसके सामने जो है क्या करते हैं, एक कनकेव लेंस प्लेस कर देते हैं, कनकेव लेंस लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, तो हम रिफ्रैक्टेड रे को ही देखते हैं, तो वो हमें जो इमेज है वो नज़र आने लगता है हमारे जो है वो नियर पॉइंट के ऊपर फार पॉइंट के ऊपर, तो इस तरह से हम चीज़ देख पाते हैं। तो कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है इन फ्रंट ऑफ द ह्यूमन आई। उसके बाद दूसरी जो है फार साइडनेस को कैसे करेक्ट किया जाता है, तो हमारी जो आई है वो फुली रिलैक्स होती है लेकिन फिर भी जो सॉरी कंप्रेस होता है आई का लेंस, लेकिन फिर भी लाइट जो है ना रिफ्रैक्ट नहीं करती, रेटिना के ऊपर फोकस नहीं होता, तो इमेज बियॉन्ड द रेटिना चला जाता है। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम इन फ्रंट ऑफ जो आई है उसके कन्वेक्स लेंस ले आते हैं, तो लाइट को कन्वर्ज करते हैं, हम कन्वर्जिंग रे को देखते हुए अपना जो इमेज है वो हमें अपने ही नियर पॉइंट पे नज़र आने लगता है जो हमारा होगा। जैसे 50 हो गया तो 50 पे ही नज़र आएगा, हालांकि ऑब्जेक्ट 25 पे पड़ा होगा, लेकिन हमें वो इमेज उसका 25 पे नज़र आ रहा होगा जो कि क्लियर होगा विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये पॉसिबल है। और पिछले वाले में क्या था कि आपको जो फार पॉइंट है वो आपका इतना दूर नहीं है, तो आपको दूर की चीज़ें ब्लर नज़र आती हैं, तो आपको अपने ही फार पॉइंट पे वो नज़र आने लगेंगी, हालांकि वो दूर पड़ी होंगी, तो वो दूर पड़ी होंगी तो लेकिन वो करीब नज़र आएंगी, तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये आपने अच्छी तरह करने, अगर कोई बात ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल करेंगे। अल्लाह।